बदलिव बालेश्वर रेल स्टेशन रो चित्र विश्वस्तरीय हेबो बालेश्वर रेल स्टेशन उभय पटरे प्रवेश पथ रहिबो स्टेशन रो फुट ओवरब्रिज सहित लिफ्ट रो व्यवस्था रहिबो अत्याधुनिक डिस्प्ले बोर्ड संग को यात्री को पाई समस्त सुविधा उपलब्ध हेबो। बालेश्वर उत्तर ओडिशा रो एक प्रमुख जिला होइतबारु रेल विभाग पक्षरु एने टंका मंजूर होइछे। खूब शीघ्र काम आरंभ हो आसंता 2 वर्ष शेष होद्वारा हजार हजार यात्री उपकृत हो पारे रेल स्टेशन रे सोमवार आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे सूचना देते दक्षिण पूर्व रेलवायर महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र अन्यमानंकर डीआरएम के आर चौधरी समेत रेल विभाग अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नहीं, बालेश्वर स्टेशन का मेजर रीडेवलपमेंट का वर्क जो है 197 करोड़ की लागत में रेल मंत्रालय द्वारा 9 फरवरी को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही इसकी टेंडरिंग के लिए हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया है और मार्च के महीने में इसका हम लोग टेंडर फ्लोट करेंगे और हमें उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये टेंडर अवार्ड हो जाएगा और अगस्त से ये स्टेशन का कार्य चालू हो जाएगा। और करीब करीब क्योंकि काफ़ी बड़े स्केल का वर्क है तो इसको 2 साल कंप्लीट होने में लगेंगे तो 26 मार्च अप्रैल तक ये वर्क हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा तैयार हो जाए। और इसमें इस साइड जो है मेजर स्टेशन बिल्डिंग आएगी, करीब उसकी लंबाई 120 मीटर है और ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी। इसके साथ ही वेस्ट साइड भी एक बिल्डिंग आएगी ताकि दोनों तरफ से एंट्री हो। उसके बीच में 18 मीटर वाइड FOB रहेगा जिसकी लैंडिंग हर प्लेटफॉर्म पे रहेगी और हर प्लेटफॉर्म पे एक्सीलेटर लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी ताकि किसी भी तरह के जो भी हमारे पैसेंजर्स हों किसी प्लेटफॉर्म में आसानी से आ जा सकते हैं। उसके अलावा स्टेशन बिल्डिंग के अंदर AC लाउंज रहेगा, प्रॉपर वेटिंग रूम रहेगी, कॉमर्शियल स्पेस रहेंगे ताकि जितने भी मॉडर्न और अच्छी दुकानें यहाँ पर खुली जाएँ। उसके अलावा प्रॉपर दोनों तरफ सर्कुलेटिंग एरिया रहेगा और जो भी मॉडर्न स्टेशन पे जितने भी पैसेंजर अमेनिटीज रहती हैं और सब पैसेंजर अमेनिटी से बालेश्वर स्टेशन इक्विप्ड रहेगा। प्रॉपर साइनेजेज रहेंगे, डिस्प्ले बोर्ड रहेंगे, कोच गाइडेंस बोर्ड रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा स्टेशन आएगा और बनने के बाद आप लोग उसको काफ़ी अप्रिशिएट करें। सर, अभी जो ज़रूरत है लोगों को, जो पैसेंजर को ज़रूरत है, जैसे कि जाने आने उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा क्या? नहीं, जैसे अभी यहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज था वो डिसमेंटल हो गया था। लास्ट टाइम जब ऑनरेबल MR आए थे तो लोगों की डिमांड थी, उसके तुरंत बाद हम लोगों ने कार्य शुरू किया। तो 3 मीटर वाइड जो फुट ओवर ब्रिज जो बन रहा है वो भी हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर जून तक हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे। उसके अलावा एक अभी आपको नीलगिरी और बालासोर के बीच में नई लाइन का भी, नई ट्रेन का भी अभी उद्घाटन हुआ है। तो जो बालेश्वर से जो भी फैसिलिटीज़ हैं सभी हम लोग उस पर रेलवे काम कर रही है। 3rd लाइन का भी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें एक नया प्लेटफॉर्म आएगा। तो जो भी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है रेलवे उसमें पूरी लगन से काम कर रही है और फुलफिल करेगी। सर, 18 मीटर होने के बाद ये 3 मीटर रहेगा या नहीं? बिल्कुल रहेगा। नहीं नहीं, 18 मीटर के साथ जो अभी एक FOB है दोनों नॉर्थ और साउथ में और जो एक हम लोग बना रहे हैं वो 3 दोनों रहेंगे। तो 18 मीटर के साथ टोटल 3 यहाँ पे फुट ओवर ब्रिजेज रहेंगे। ये काम कब तक कंप्लीट होगा ऐसा करेंगे? जो 3 मीटर का FOB है हम लोग जून 24 तक इसी साल कंप्लीट कर देंगे और जो मेजर रीडेवलपमेंट का वर्क है जो अभी सेंक्शन हुआ उसमें करीब करीब 2 साल लगेगा तो वो अप्रैल में 2026 तक कंप्लीट होगा। बैकसाइड में जमीन अधिग्रहण थोड़ा दिक्कत होता है, राज्य सरकार नहीं करते हैं? नहीं, ये रेलवे लैंड ही है एक्चुअली। ये जो भी जिसमें काम किया जाता है ये रेलवे की ज़मीन है, उसमें इंक्रोचमेंट है। तो हम लोग ऑलरेडी राज्य सरकार के साथ टच में है कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए और मुझे उम्मीद है कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम इंक्रोचमेंट हट जाएंगे।